नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज, खबर मधेपुरा से। महाशिवरात्रि मेले के शुभ अवसर पर सिंहेश्वर में लगने वाले बिहार का प्रसिद्ध मेला में संस्कृत कार्यक्रम से सबके दिलों पर राज करने वाले शोभा सम्राट थिएटर दो दिन मेला तहलका मचा दिया। करीब 7:30 बजे से ही शो शुरू कर दिया जाता है। वहीं दूसरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लेने युवक काफी संख्या में दिखे। वहीं सिंहेश्वर प्रसिद्ध मेला असमंजस स्थिति के बाद पटरी पर वापस लौटता दिख रहा है। बाबा महादेव की नगरी में महाशिवरात्रि और जलधरी के अवसर पर बाबा का जलाभिषेक करने पहुंचे लाखों श्रद्धालुओं ने बाबा सिंहेश्वर नाथ का पूजा अर्चन करने के बाद परिचित सिंहेश्वर मेले का जायजा उठाया, जिससे मेले की रौनक लौटने लगी। हालांकि इस वर्ष प्रशासन के द्वारा पैदा की असमंजस की स्थिति के कारण मेले में कई दुकानदार सिंहेश्वर नहीं पहुँच सके। अभी मेले पूरी तरह से अपने शवाब पर नहीं पहुँच सका है। इसके बावजूद मेले को सुरक्षित करने के लिए मेला ठेकेदार जितेंद्र कुमार उर्फ पिंटू मेले को आकर्षक बनाने का हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं। वहीं काफी दुकानदारों के नहीं आने के कारण मेले में उदासी दिख रही थी, जबकि मेले में शोभा सम्राट थिएटर के आगमन की खबर से दुकानदारों को कुछ उम्मीद वापस लौटने का मार्ग मिल सकता है। वहीं शोभा सम्राट की जगह साफ सफाई किया जा चुका है और आज सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू करेंगे। संभव चौटारी तक शुरू करने की स्थिति में है। इस वर्ष मेले में बच्चों व महिलाओं के लिए मनोरंजन का पूरा ध्यान रखा गया है। मनोरंजन के लिए पर्याप्त खेल तमाशे आए हुए हैं, जिसमें टॉर्जन सर्कस, मौत कुआं, जादूगर एवं दर्जनों झूला, मुख्य रूप से टॉवर झूला, ब्रेकडांस झूला, ड्रैगन झूला, तोड़ा तोड़ा बच्चों के लिए मिक्की माउस के साथ साथ कई अन्य झूले भी बना रहे हैं। जबकि वहीं खाने पीने के लिए स्वादिष्ट होटल आ गया है। इस बार मेला थाना की जिम्मेदारी SI सुरेंद्र साह को दी गई है। उसके साथ मेले के अतिरिक्त सुरक्षा बल अधिकारी प्रतिनियुक्ति किए गए हैं। मधेपुरा से सविता नंदन कुमार की रिपोर्ट।